क्या आपने चालू बस के ऊपर उड़ने वाले जादूगर को देखा है? और इस जादूगर ने आखिर एक कागज के टुकड़े को कबूतर में कैसे बदल दिया? अब इस इंसान की खोपड़ी क्या लोहे की है जो अपने सिर में ड्रिल मशीन लगाता है फिर भी उसे कुछ नहीं होता? तो आइए आज हम जानते हैं कि जादूगर सबको बेवकूफ कैसे बनाते हैं। नंबर एक, हवा में तैरने वाला जादू। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग हवा में खड़े या बैठे होते, इसे एयर लेविटेशन कहा जाता है। आप ऐसा नजारा देख के आश्चर्य हो जाते हैं कि कैसे ये जादूगर जमीन से इतने ऊपर खड़े या बैठ पाते हैं। तो हम आपको बताते हैं इसका राज। दरअसल ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं बल्कि ये आंखों का धोखा है। सबसे पहले इस जादू में जमीन पे एक कपड़ा बिछा दिया जाता है, फिर उसमें छेद करके लोहे का रोड इस्तेमाल किया जाता है बेस बनाने के लिए। अब जादूगर एक तरफ लोहे में बैठते या खड़े रहते हैं और दूसरी तरफ वे जमीन पर लोहे का खंभा फिक्स रहता है। फिर हम सबको लगता है कि वो हवा में उड़ रहे, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बस आंखों का धोखा है। नंबर दो, पानी के ऊपर वाला जादू। दोस्तों हाल ही में आप सबने डायनेमो का नाम सुना ही होगा, जिन्होंने ये ट्रिक लंदन की थीम्स पे की है। ये सारे लोग डायनेमो को पानी में चलता हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। ये ट्रिक ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें फ्लेक्सी ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक एंगल में रखा जाता है। ये पानी के ऊपर दिखता नहीं और इसमें जादूगर बड़ी ही आसानी से पानी पर चल सकते हैं। अगर आपने डायनेमो को देखा है तो उनके आसपास जो पुलिस वाले और गार्ड्स थे वो भी इस ट्रिक का हिस्सा थे। ये बस एक इल्यूजन है जिसे आप अचानक देख के सच मान लेते हैं। नंबर तीन, चम्मच का मुड़ना। ये बहुत ही मशहूर मैजिक ट्रिक है जिसमें आप देखते हैं कि जादूगर बड़े आराम से चम्मच को मोड़ देते हैं बिल्कुल अपनी आंखों के सामने। मगर क्या आप जानते हैं कि ये आपकी आंखों का धोखा है? और असल में इस मैजिक को करने के दो तरीके हैं। पहला ये कि जादूगर चुपके से चम्मच को एक मुड़े हुए चम्मच के साथ बदल देता है जनता का ध्यान भंग करके। दूसरा ये कि जादूगर एक सिक्के का इस्तेमाल करते हैं जिससे मुड़ने से इल्यूजन बनता है कि चम्मच अपने आप मुड़ रहा है। सिक्का छोटा होता है तो आमतौर पे नजर नहीं आता और हमें लगता है कि सही में चम्मच मुड़ रहा है। नंबर चार, इंसान को बीच में से काटने का ट्रिक। ये मैजिक ट्रिक बहुत ही खतरनाक लगता है लेकिन इस मैजिक को देखने के लिए बहुत से लोग जाते हैं। अक्सर आपने किसी भी मैजिक शो में ये देखा होगा कि लड़की को बॉक्स में डाल के जादूगर उसे बीच से काट देते हैं। इस ट्रिक को देखकर हम हैरान हो जाते हैं, पर घबराइए नहीं, ये सच नहीं है और बस आपकी आंखों का धोखा है। दरअसल जादूगर किसी को भी बीच से नहीं काटते। अक्सर दो बॉक्स में दो लड़कियों को रखा जाता है और काटने के बाद आपको लगता है कि दो हिस्से बाहर निकल रहे, मगर असल में दो लड़कियां होती है जो इस मैजिक ट्रिक को सच जैसे दिखाती है। नंबर पांच, माइकल जैक्सन एंटी ग्रेविटी लीन ट्रिक। माइकल जैक्सन के डांस पे तो हम फिदा है लेकिन यहाँ आपको स्मूथ क्रिमिनल का गाना याद आता है जिसमें उन्होंने एंटी ग्रेविटी लीन किया था। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं माइकल के उसी स्टेप के बारे में जिसमें उन्होंने अपना पूरा शरीर सीधे रखते हुए सिर्फ घुटनों से 45 डिग्री बेंड किया था। तो कैसे किया माइकल ने यह डांस और वो गिरे क्यों नहीं? इसका रहस्य ये है कि इस डांस के लिए माइकल जैक्सन के लिए खास जूते बनाए गए थे। इन जूतों की खासियत ये थी कि इसके हील्स में ऐसा लॉक सिस्टम बनाया गया था जिसमें नीचे का भाग जमीन के साथ लॉक हो जाता था ताकि वे हिल नहीं पाए, और उन्होंने एंटी ग्रेविटी लीन करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। नंबर छह, रैबिट हैट ट्रिक। ये मैजिक ट्रिक बहुत पुराना है और इसे देखने के लिए मजा आता है। रैबिट हैट ट्रिक को सिर्फ हैट ट्रिक भी कहा जाता है। इसमें जादूगर एक छड़ी से अपने हैट को घुमाता है और उसके अंदर से रैबिट निकल जाता है। ये मैजिक बहुत ही प्यारा सा होता है और हम सबको बहुत पसंद है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का सीक्रेट। ये ट्रिक काफी सिंपल है और आप भी इसे घर पर कर सकते हैं। इस मैजिक ट्रिक में होता यह है कि हैट को एक मेज पर रखा जाता है, दोनों हैट और मेज पर छेद होता है और मेज के अंदर एक रैबिट को रखा जाता है। जादूगर मेज के अंदर से ये रैबिट को निकालते हैं। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सिर्फ रैबिट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बिल्ली को भी तो लिया जा सकता है। दरअसल रैबिट शांत होते हैं और इसे जहां भी रखा जाए वहां वे चुपचाप रहते हैं। नंबर सात, उंगलियों से धुआं निकालना। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जादूगर दिखाते हैं कि उनकी उंगलियों से धुआं अचानक से निकल रहा है, मानो कि उंगलियां जल रही हो। ये एक मजेदार मैजिक ट्रिक है और आप चाहे तो आराम से घर पे कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इसमें आपको बस एक मैच स्टिक की डिब्बी चाहिए। उसमें जहाँ आप
मैच स्टिक को स्ट्राइकर करते उसे लेकर फिर एक और स्ट्राइकर ले और उसे बीच में से फोल्ड कर ले। अब इस स्ट्राइकर को ठंडे पानी या बर्फ के ऊपर रख दे, दूसरे स्ट्राइकर में आग लगाए और इसे ठंडे स्ट्राइकर को जलाने की कोशिश करें। आप देखेंगे ये धुआं निकल के बर्तन पे कुछ रेसिडुअल रह गया है। बस इसे अपने उंगलियों पर लगा ले और किसी भी अंधेरे वाले कमरे में जाके उंगलियों को मसले तो आपकी उंगलियों से धुआं निकलेगा। दरअसल इसमें फास्फोरस केमिकल रहता है जिससे धुआं दिखता है। नंबर 8, पेंसिल का हाथ में आना मैजिक ट्रिक। ये ट्रिक सिर्फ जादूगर ही नहीं बल्कि आपके दोस्त भी आपको दिखाते होंगे। इस मैजिक में ये होता है कि जादूगर अपने हाथों की शक्ति से पेंसिल को उठाते हैं और पेंसिल खुद से आके हाथों में चिपक जाती है। हम ये देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये मैजिक ट्रिक आसान है और इसे आप आराम से घर पे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ से कस के पकड़ ले, फिर उसे पेंसिल के पास ले जाए और ऐसे दिखाए कि आपको बहुत शक्ति का प्रयोग करना पड़ा है। उसे उठाने के लिए अपने दाएं हाथ की उंगली से पेंसिल को चुपके से उठाए और उसी से पेंसिल को पकड़े रहे और जादूगर इस मैजिक को ऐसे करते कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि जिन्होंने अपनी उंगली से पेंसिल को दबाया है। नंबर 9, इनविजिबल चेयर सिटिंग ट्रिक। दोस्तों मैजिक शो में ये सबसे पुराना मैजिक ट्रिक है जिसमें आप इंसान को जमीन से ऊपर बैठे हुए देखते हैं। यहाँ तक आपने भारत में कई बाबा को भी ये करते हुए देखा होगा और आपको लगता है कि बाबा आसमान में बैठे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका राज क्या है। इस मैजिक ट्रिक में आपको भारी जूते और एक मुड़ने वाले यंत्र का इस्तेमाल करना होगा। जमीन पर दो क्लैंप जैसे लगाए जाते हैं कार्डबोर्ड की सहायता से और जूते को ऐसे बनाया जाता है कि क्लैंप उसे पकड़ के रहे। ये पूरे अरेंजमेंट को आपके एक पैर से बांध दिया जाता है और कपड़े से इसे छुपा दिया जाता है। आप वो एक पैर जमीन पर रखते हैं और बाकी शरीर का वजन आप बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 10, बोतल और सिक्के का मैजिक ट्रिक। किसी भी मैजिक शो में ये दिखाया जाता है कि छोटे मुंह वाले प्लास्टिक बोतल में सिक्का अंदर चला जाता है और फिर बाहर नहीं निकल पाता। हमें यकीन है कि आपने ऐसा मैजिक पहले जरूर देखा होगा। ये एक आसान मैजिक ट्रिक है जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप एक ऐसा प्लास्टिक बोतल ले जिसका मुंह सिक्के से छोटा हो। अब इस बोतल की चारों तरफ स्टिकर होगा, उस स्टिकर के अंदर सिक्के के अनुसार छेद करें। अब एक हाथ में बोतल और दूसरे हाथ में सिक्का ले और जल्दी से सिक्के वाला हाथ बोतल के पास लेके सिक्का डाल दे। फिर देखने वाले को लगेगा कि आप मैजिक से सिक्का अंदर डाल रहे और अब आप इसके पीछे की सच्चाई भी जान गए। तो दोस्तों आपको इन 10 मैजिक ट्रिक में से कौन सी मैजिक ट्रिक सबसे ज्यादा मजेदार लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।